कहते हैं कि मेष राशि के लोग नौकरी करेंगे या कारोबार करेंगे। मेष राशि के लिए सूर्य जैसा ग्रह करियर का निर्धारण करता है, इसलिए चिकित्सा के मामले में, प्रशासनिक सेवा के मामले में करियर बनाना इनके लिए हमेशा लाभकारी होता है। शनि के कारण इनके नौकरी करने की संभावना ज्यादा होती है और अगर ये व्यवसाय करते हैं तो इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वृष राशि, बुध की वजह से अक्सर इनको भ्रम पैदा होता है और ऐसा देखा गया है कि अक्सर ये गलत करियर का चुनाव कर बैठते हैं। इनके लिए ज्यादातर कॉमर्स की पढ़ाई अच्छी होती है और आम तौर पर कुछ दिनों तक नौकरी करते हैं लेकिन बाद में स्किल बेचने के, बुद्धि बेचने के व्यवसाय में आ जाते हैं। वाणी और समझाने, सलाह देने के कार्य में इन्हें खूब सफलता मिलती है। मिथुन राशि, शुक्र और शनि मुख्य रूप से इनका करियर निर्धारित करते हैं, इसलिए इनके लिए चिकित्सा, मैनेजमेंट, मार्केटिंग या कानून का क्षेत्र करियर बनाने के लिए उत्तम होता है। स्वतंत्र काम करना या व्यवसाय करना इन्हें बहुत रास आता है। इन्हें नौकरी मिल जाने में और करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर इंडिपेंडेंट रहना ही बेहतर होता है। जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों का करियर मुख्य रूप से मंगल से और चंद्रमा से डिसाइड होता है, इसलिए इनके लिए करियर के तमाम रास्ते खुले हुए होते हैं। वैसे आम तौर पर इनको चिकित्सा, शिक्षा, संगीत, फिल्म, मीडिया और कला के क्षेत्र में नौकरी बढ़िया रहती है। ये व्यवसाय भी नौकरी की तरह करें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सिंह राशि, बृहस्पति और शुक्र इनका करियर निर्धारित करते हैं, अतः कभी कभी इनका करियर इनकी शिक्षा के बिल्कुल उलट हो जाता है। साधारण तरीके से ही साधारण नौकरी कर पाते हैं, ज़्यादातर जमीन, खाद्य पदार्थ या लकड़ी का काम करना अच्छा होता है, लेकिन देखा गया है कि सिंह राशि वाले मोटे तौर से छोटी मोटी नौकरी करते हैं, एक एवरेज तरह की नौकरी करते हुए जीवन इनका आगे बढ़ता है। कन्या राशि, इनके पास बुध की अद्भुत बुद्धि होती है और ये पक्के कारोबारी होते हैं। आम तौर पर सूद, रसायन, वस्त्र और आभूषणों का कारोबार ये करते हैं जो इनके लिए बड़ा अच्छा रहता है। ये बहुत सारे अलग अलग व्यवसायों को भी एक साथ जोड़कर कर सकते हैं। नौकरी ये केवल मैनेजमेंट की कर सकते हैं और कोई नौकरी नहीं कर सकते। अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों का करियर शनि, बुध और शुक्र से संबंध रखता है। आम तौर पर इंजीनियरिंग, पत्रकारिता, शिक्षा या कानून के क्षेत्र में नौकरी करते हैं। जीवन के 45वें वर्ष के बाद कभी कभी ग्लैमर के बिजनेस में आ जाते हैं और अक्सर देखा गया है कि चाहे नौकरी करें चाहे कारोबार करें, उसमें बार बार अक्सर फेर बदल करते रहते हैं। वृश्चिक राशि, चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य इनका करियर निर्धारित करते हैं। इनको सेवा संबंधी, शिक्षा संबंधी, पत्रकारिता संबंधी या मीडिया की नौकरी में काफ़ी फायदा होता है। आम तौर पर बेहतरीन चिकित्सक और बड़े पत्रकार वृश्चिक राशि से संबंध रखने वाले होते हैं। धनु राशि, इनके अंदर जन्मजात, जन्म से ही शासन करने की प्रतिभा छिपी हुई होती है, इसलिए कला वर्ग के विषयों की पढ़ाई करके प्रशासनिक सेवा की अगर ये तैयारी करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादातर धनु राशि के लोग नौकरी ही करते हैं और इनका क्षेत्र होता है पुलिस, प्रशासन, रक्षा या कभी कभी टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक। अब जान लेते हैं कि मकर राशि के लोग नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है और बुध का सीधा असर इनके करियर पर पड़ता है।
मूल रूप से मकर राशि वालों के लिए व्यापार करना ही ज़्यादा उत्तम होता है। धन का मामला, सलाहकारिता का मामला, जल, लोहा, कोयला और पेट्रोल का व्यवसाय करना इनके लिए उत्तम होता है। कुंभ राशि, इस राशि के पास शिक्षा के लिए बुध और करियर के लिए शनि और मंगल होते हैं। इनके लिए कॉमर्स, कानून और इंजीनियरिंग तीनों ही क्षेत्र बढ़िया माने जाते हैं। अगर नौकरी ये करते हैं तो बहुत दिन तक नहीं करते, बाद में अपनी बुद्धि से समझाने और सलाह देने से धन का अर्जन करते हैं। मीन राशि, इनका करियर चंद्रमा और मंगल से संबंध रखता है। ये घूम फिर कर नौकरी ही करते हैं और वहीं सफलता भी पाते हैं। इनके लिए चिकित्सा, शिक्षा, सेवा या मार्केटिंग का क्षेत्र उत्तम रहता है।